we are currently pursuing B.Tech engineering from computer science. So today we are here to aware you about what is autism. Do you know what is autism means? No. So I will tell you about what is autism. So autism is neurological disorder. Neurological disorder means जो हमारे brain से related problem हो, जो हमारे brain में थोड़ी सी problem होती है ना, जिससे हम talk नहीं कर पाते, जिन लोगों को थोड़ा connect मतलब people में connect करने में थोड़ा वो होता है, दिक्कत होती है. ये जो neurological disorder होता है वो हमारे birth से ही होता है, मतलब जब हम born होते हैं ना तभी से ही हमारे body में या brain में develop हो जाता है. सो इसका मतलब ये होता है कि मतलब जैसे अपन नॉर्मली पेन से लिख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मतलब वो लोग थोड़ा मतलब पीपल से इंटरेक्ट नहीं हो पाते इतना जल्दी. समझ आ रहा है? Yes. हाँ, तो वो लोग पीपल से जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाते, वो हमारे जैसे हम लोग जल्दी ऐसे एक दूसरे से बात कर लेते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं आगे जाके भी. तो मैं ऐसे हम लोग आए हैं आज, तुम्हें वहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा असाइनमेंट्स है, कुछ भी अदरवाइज कॉलेज से मिलेगा कुछ भी, तो तुम्हें ऐसे आके बोलना पड़ेगा जो कि तुम सब लोग नहीं बोल पाते होंगे. तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा गया तो तुम आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे. हर बच्चे में वो चीज़ नहीं होती कि जो खड़े हो कि हाँ सर मैं बोलूँगा, नहीं बोल पाते, कुछ बच्चों में होता है. तो वही चीज़ ऑटिज्म होती है. ठीक है, अगर आपसे कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी बच्चे ने बता दिया तो वो अच्छा है, अगर किसी ने नहीं बता पाया तो वो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हो कि इसको नहीं आता, तो वो थोड़ा सा मतलब दूसरों से बात करने में थोड़ा इंटरेक्ट करने में वो नहीं होता इतना अच्छा, आप लोग उसका मजाक उड़ाते हो. इसलिए मतलब ऐसे लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए जो मतलब अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं टीचर्स के सामने, उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, तो उनको हमें समझना चाहिए कि वो इतनी जल्दी दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं. अच्छा, मैं जैसे यहाँ आप सबसे पूछूं कि आप लोगों को आगे क्या करना है, बहुत से लोग यहाँ बताएंगे कि मेरा ये ड्रीम है या मेरा ये ड्रीम है, बट क्या सब वो सक्सेस तक पहुँच पाते हैं? आप सब पहुँच सकते हो, बट ये जो अभी आपका रिप्लाई था ना नो, आप लोग ये कह सकते थे कि हाँ हम कर सकते हैं, कोई और ना कर पाए हमें पता नहीं था, हम कर सकते हैं. तो यही एक एटीट्यूड हमें चाहिए पड़ता है जब किसी ऑटिज्म पर्सन के पास नहीं होता. तो उसी तरीके में आपको और चीज़ समझाते हैं, आप लोग के बीच में भी कई लोग होंगे जो बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, एक बार में नहीं कुछ समझ पाते, या फिर अगर आप उनसे बात करो तो वे आपसे बात नहीं कर पाएंगे एकदम से, तो ऐसा बुझाएंगे कि यार नहीं मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते ना. आप लोग ने कभी देखा होगा आप लोग सोसाइटीज में हैं, कोई है यहाँ पे ऐसा कोई? ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि आप एकदम से सामने नहीं बता पा रहे, बट कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सब एक्चुअली सोसाइटी में हम लोग ये चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें कि यार देखो वो नहीं बोल पा रहा तो क्या मतलब है हमें, क्या हम तो अब आगे बढ़ रहे हैं. नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि हो सकता है और ये पाया भी जाता है कि जो जिनके पास ऑटिज्म होता है, जो मतलब इन चीज़ से फेस कर रहे होते हैं, वो आपसे इंटरेक्शन अच्छे से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बोल नहीं पाए कोई बात नहीं, बट उनमें बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो सकता है, वो चीज़ों को जल्दी कैच भी कर सकते हैं, आपसे अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो हम उनके साथ कनेक्शन कैसे बनाएं, उनको अपना पार्टनर दोस्त कैसे बना सकते हैं? हम सिंपली उनके हो सकता है कि उनको टैच करना पसंद नहीं, हम नॉर्मल बात करते हैं और भाई कैसा है नॉर्मल लाइफ, समझ रहे हो आप लोग, लेकिन वो नहीं कर पाते, या फिर अपन कुछ इंटरेक्शन करें तो वो नहीं समझ पा रहे. तो हम क्या करें, हम सिंपली उनसे सबसे पहले एक स्माइली की बात करते हैं कि हेलो हाय नॉर्मली से, हमने आपके यहाँ सबसे पहले आपके बात करी, हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप लोग को समझ में आया. तो उसी तरीके से हमें उन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो ये ऑटिज्म की अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ पे एक स्पेशल नीड होती है कि हम भले उनको चीज़ वो समझ में नहीं आ रही, वो फील कर पा रहे हैं, वो सुन पा रहे, सब कर पा रहे, लेकिन वो उस चीज़ कम्फर्टेबली आप मदद नहीं कर पा रहे, ना आपकी ना वो चीज़ को एक वे में आपको समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो बस यही है. जैसे कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग यहाँ बैठे हो, ऐसे ही हम लोग भी वहाँ बैठे थे, हम लोग भी वहाँ बैठे थे. हम एक्चुअली इतने बड़े भी नहीं है, हमारा फर्स्ट ईयर है, जो कि हम अभी 12th एग्जाम देके यहाँ आए हैं. तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आज के टाइम अगर नहीं बोलोगे टीचर से तो आगे तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है. सबको पता है आज के टाइम पे कि आप सब लोग कॉलेज में आओगे और पढ़ोगे, असाइनमेंट्स भी दोगे,
टीचर्स के सामने बोल लोगे, तो अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम्हारा हेजिटेशन कम होगा। आज से ही स्टार्ट करो, इवन तुम्हें पहले से ही स्टार्ट करने चाहिए। यहाँ पे कितने कितने लोग हैं जो अपनी बातें नहीं बोल पाते, खड़े हाथों पे करो। जो नहीं बोल पाते हैं वो बताइए, बहुत से लोग होंगे पर कोई बता नहीं रहा। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वो बात पूछने का या वो क्वेश्चन करने का। आपको आता है बस आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे उस बात को। तो सब लोग हाथों पर करो अपना, कौन कौन है ऐसा ना, ना हम ही पूछ लेंगे कि खड़े हो के कोई कुछ नहीं पूछ रहा था पहले ना, कोई वो क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हाथों पर किए। देखो एग्जांपल दूं आपको ऑटिज्म का, आप में से कितने लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखी है? अलग एक्टिविटीज करता है और जो किड्स होते हैं उसके साथ उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, बट एट द एंड वो बच्चा कितना ब्रिलियंट निकलता है। तो यही एक एग्जांपल ऑटिज्म का कि वो अंदर ही अंदर बहुत इंटेलिजेंट होता है, बस खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता लोगों के सामने, अच्छे से बोल नहीं पाता। लेकिन वो क्या है कि उसका माइंड शार्प हो सकता है और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी विचारधारा रख सकता है वो। तो ऐसा सब होता है ऑटिज्म, और मिसकंसेप्शन भी है बहुत सारे ऑटिज्म को लेके कि जैसे कि अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती उनकी, या फिर वो अच्छे से लोग उनसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते, बट एक्चुअली वो ही अच्छे से अपने को आपको उनके सामने शो नहीं कर पाते, इसलिए लोग उनसे इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, या आप लोग भी कभी कभी उन्हें थोड़ा डंब समझ लेते हैं, इस वजह से आप उनसे बात नहीं करते या उनसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते। बट एक्चुअली होता क्या है कि बस उनके अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते कि आपके सामने अपनी बात रख पाएँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब ऐसे उन्हें आप देखा होगा उनके साथ लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, रात में वो ठुकरा के चला जाता है, कोई भी उनसे सही तरीके से बात नहीं करता, पेरेंट्स भी बात नहीं करते सही तरीके से, पड़ोसी आप सब फ्रेंड्स वगैरह कोई सर्कल में अगर ऐसा हो तो उसको मतलब सपोर्ट करो हर चीज़ के ऊपर, सपोर्ट करो उसके ऊपर। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अगर जो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है तो वो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है अपना, कि हम इसे उस पर्टिकुलर बच्चे को फुल पोटेंशियल देख के मतलब उसको अपन जज कर लेते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो सब कुछ आप लोगों पे ही डिपेंड होता है। अगर उस बच्चे को हम कहेंगे कि भाई तू कर, तो वो करेगा, तुम लोगों को उसे कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तुम्हें बगल वाला है तुम्हारा नहीं बोल पाता होगा, मोटिवेट नहीं कर पाते होंगे तुम लोग। ऐसे लोगों को अकेला मत छोड़ो, जिसमें वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, अच्छे से बात कर पाए, उनके लिए एक अच्छे से इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि मतलब वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, कैसे मोटिवेट हो। So this is autism. Thank you. You have any question about autism? Any doubt related to this word autism? किसी को कोई question है, किसी को कुछ ही पूछना कि हम कुछ ही कहते आगे सही कर सकते हैं। बस जितना हमने आपको बताया वो सिर्फ एक छोटा part है, अगर आप उसके बारे में और कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। और जो आप ये नहीं भी करोगे, आप अपने जो भी दोस्त है उससे ही बात करोगे ना, आपको चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने को मिलेगा कि सोसाइटी हमारी कहाँ है और हमें एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए इन सब चीज़ों को साथ में रखना पड़ेगा। तो डेट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू, थैंक यू। पूछना है तो पूछ सकते हो, एकदम नॉर्मल हो। आपका कोई क्वेश्चन?
देखो एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ऑटिज्म के बारे में। ये जो ऑटिज्म को फेस करते हैं बच्चे, उनमें कोई नया एकदम से डिसऑर्डर नहीं आ जाता है कि मान लीजिए वो उनकी एज हुई 5 ईयर्स और एकदम से उनको ये डिसऑर्डर आ गया। ये डिसऑर्डर जो है वो बर्थ के साथ होता है, और उनमें होता क्या है कि जो उनका ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, धीरे धीरे डेवलप होता है एज के साथ। तो क्या होता है वो जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है उसके साथ वो आप जैसे नॉर्मल लोग नहीं होते, वो थोड़ा अपने आप में खोए रहते हैं मतलब, और आपसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये सब होता है। तो क्या है धीरे धीरे उनको आप अपने साथ सोशलाइज करेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनका ब्रेन जल्दी डेवलप होगा।